आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस के बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा हम बंधक नहीं हैं। मध्य प्रदेश में नहीं सुलझा अल्पमत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किए नोटिस। कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल को लेकर याचिका, बेंगलुरु में मजे में है विधायक। हर तरफ कोरोना वायरस का खौफ, छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा बंद। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वी मधु कुमार को विशिष्ट सेवाओं के लिए दखल प्राइड अवार्ड 2020। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। कांग्रेस के बागी विधायकों ने कमलनाथ और कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि हम बंधक नहीं है और कमलनाथ सरकार से हमें खतरा है, हमें पर्याप्त केंद्रीय सुरक्षा दी जाए तो हम भोपाल चले जाएंगे। इन विधायकों ने कहा कमलनाथ की सरकार अल्पमत में है और अब इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। विधायकों ने कमलनाथ सरकार को दलालों की सरकार भी कहा है। कांग्रेस के बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के दावों की हवा निकाल दी है और उनको इस्तीफा देने की सलाह दी है। बेंगलुरु में सभी विधायकों के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी सरकार और अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है। विधायकों ने साफ कहा है कि वह अपनी मर्जी से आए, किसी ने भी हमें यहां बंधक नहीं बनाया है। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और कहा कि सीएम कमलनाथ का पूरा ध्यान सिर्फ छिंदवाड़ा में विकास करने पर ही था। हमारे क्षेत्र की समस्या सुनने के लिए 15 मिनट का भी समय नहीं होता था। कमलनाथ सरकार में मंत्री रही मरती देवी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे नेता हैं, उन्होंने हमें राजनीति करना सिखाया है। मैं एक गरीब की बेटी हूं, मैं हमेशा उनके साथ ही रहूंगी। अगर वे कुएं में कूदते हैं तो भी। गोविंद सिंह राजपूत का कहना था कि सीएम कमलनाथ के पास हमारी बात सुनने के लिए 15 मिनट का भी समय नहीं होता था, तो हम अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए किससे बात करते हैं। श्री मंत्री ज्योतिराज सिंधिया हमारे नेता हैं और 2000 हम 20 साल से उनके साथ राजनीति कर रहे हैं और उनने हमें राजनीति करना सिखाया है। मैं एक गरीब की बेटी हूँ, गरीब की बहू हूँ, जो आज हूँ श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया के वजह से हूँ। और मैं पहली बात तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बहुत बार हम लोगों ने मीडिया में सुना कि हम लोग बंधक बनाए गए, तो आप सारे लोग देख सकते हैं कि हम लोग बंधक नहीं, स्वेच्छा से आए हुए। दूसरा, हम मध्य प्रदेश की तरफ जाएं तो मध्य प्रदेश सरकार जब बनी, 15 साल हम लोग विपक्ष में बैठे और सरकार जब बनी तो सरकार में दो लोगों के चेहरे सामने किए राहुल गांधी जी ने, सिंधिया जी और कमलनाथ जी। लेकिन ये पूरा प्रदेश जानता है कि सिंधिया जी के चेहरे पर मध्य प्रदेश की सरकार बनने में एक बहुत बड़ी भूमिका थी। सरकार बनने के बाद सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। हम लोगों को लगा कि सब ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कमलनाथ जी का व्यवहार हम लोगों ने देखा, मैं मंत्री रहते हुए कह सकता हूं कि कभी भी 15 मिनट भी उन्होंने हमको शांतिपूर्वक नहीं सुना। आखिर हम क्षेत्र की समस्याओं के बारे में किससे बात करेंगे। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरदीप सिंह डंग ने कहा कि मंदसौर क्षेत्र से मैं विधायक हूं, किसानों के गोलीकांड के दौरान मैं भी वहां था, राहुल गांधी आए लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। सीएम के पास हमारे लिए 2 मिनट का भी समय नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं होती और सीएम भी हमारी नहीं सुनते। डंग ने कहा कि यह दलालों की सरकार है, हमारे आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अगर दलाल वही बात लेकर जाते तो उस पर कार्रवाई होती थी। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ बंधक नहीं बनाया गया है।
विधायक राजवर्धन सिंह दतिगांव ने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ, सीएम कमलनाथ मेरे क्षेत्र में कहकर गए थे कि आप विधायक को नहीं मंत्री को वोट दे रहे हैं, मुझे कुछ नहीं बनाया गया। राहुल गांधी ने भी हमारी बात नहीं सुनी, मैं लगातार सीएम कमलनाथ के लिए लड़ता रहा लेकिन उन्होंने मेरे क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया, मेरे साथ धोखा हुआ। इस सरकार में सबसे सीनियर नेता विसाहूलाल सिंह को छोड़कर सुभाष यादव के बेटे को मंत्री बनाया गया, जमुना देवी के रिश्तेदार को मंत्री बनाया गया और भी नेताओं के रिश्तेदारों को मंत्री बनाया गया, यह सही नहीं था। विसाहूलाल सिंह ने कहा कि मैं 1987 से कांग्रेस विधायक हूं, मुझसे सीनियर विधायक विधानसभा में कोई नहीं है। जब मैं सीएम से बात करने जाता हूं तो बोलते हैं चलो चलो कल बात करेंगे। हम लोग राहुल गांधी के पास गए, राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं था, पार्टी के अध्यक्ष थे। मैं, बिसाहूलाल जी, केपी सिंह जी, इदल सिंह जी, हिना कावरे, हम सब उनके पास गए। पांच राहुल गांधी जी से हमने सबने कहा कि साहब हमारे साथ अन्याय हुआ। राहुल जी ने पूछा चलिए आप बताइए क्या फॉर्मूला होना चाहिए। मैंने कहा साहब सीनियोरिटी और मेरिट दो क्राइटेरिया होनी चाहिए मंत्रिमंडल बनाने के। तो मुझसे बोले तुम तो तीन बार के ही हो, बिसाहूलाल जी 6 बार के, इदल सिंह जी 4 बार के, केपी सिंह जी 6 बार के। मैंने कहा साहब बिल्कुल सही, आप इनको बना दीजिए, हमें बनाइए, लेकिन ये सही है। मैंने कहा हमने माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी, हम सरकार बनाई। अभी एक नेता का बयान आया था कि इसलिए सरकार गिरने जा रही है क्योंकि भाजपा गिरा रही है क्योंकि माफिया को हटा रहे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया धार जिले में कांग्रेस पार्टी को चला रहा है, जिसने कांग्रेसियों की हत्या करी है, उसकी विधवा राघोगढ़ की बेटी आज भी न्याय मांग रही है। इसका जवाब ना कमलनाथ जी के पास है, ना कांग्रेस के, ना पूरी सरकार के। मैं आज से नहीं, प्रकाश चंद्र सेठी जी जब यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उस समय मैं रीवा में पढ़ता था, मेरा मित्र भंवर सिंह कोटे ने चुनाव लड़ा और 72 में वो मंत्री बने, तब से मैं कांग्रेस में रहा। मैं आज 6 बार का विधायक हूं और यहाँ जितने बैठे हैं, यहाँ नहीं भाजपा और कांग्रेस के जो भी हैं, मुझसे सीनियर विधानसभा में कोई नहीं। मेरे जैसे विधायक जब हम किसी काम के लिए जाते हैं उनके पास समय नहीं है, चलो चलो कर देते हैं कि चल बाद में बात करेंगे, चलो चलो, चलो, चलो। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अगर भोपाल में हमला हो सकता है तो हम पर भी हो सकता है, केंद्रीय सुरक्षा बल की उपस्थिति में हम शाम को ही भोपाल जा सकते हैं। 6 विधायकों के इस्तीफे मंजूर किए गए तो 16 के क्यों नहीं, हम सभी उपचुनाव के लिए तैयार हैं। बेंगलुरु में मौजूद विधायकों ने मीडिया के सामने आकर कहा कि हमें यह सूचना मिली कि हम बंधक बनाए गए हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यह बात गलत है, हम स्वतंत्र हैं और अपनी मर्जी से यहाँ हैं। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि जब चुनाव लड़ा गया तो 2 चेहरे सामने आए जिसमें कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। इसके बाद सिंधिया जी की जगह कमलनाथ को सीएम बनाया गया। सीएम बनने के बाद उनका व्यवहार बदल गया, हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। मध्य प्रदेश में गहराते सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इधर अल्पमत की कांग्रेस सरकार प्रदेश में धड़ाधड़ नियुक्तियां कर रही है, इसे रोकने के लिए बीजेपी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस दौरान कांग्रेस विधायकों को अपने पक्ष में करने के सारे जतन कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार फिलहाल फ्लोर टेस्ट को टालना चाहती है। एमपी के सियासी संग्राम में भाजपा और उसके वकील जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत में समय पर पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल या कोई और भी नहीं पहुंचा। सुनवाई शुरू होते ही मुकुल रोहतगी ने भाजपा का पक्ष रखा, लेकिन दूसरे पक्ष की ओर से दलील देने के लिए कोई नहीं था। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा क्यों ना अगले दिन 10:30 बजे का समय दिया जाए। इस पर मुकुल रोहतगी ने आपत्ति ली और कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर है क्योंकि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। जजों ने उनकी बात सुनी और 24 घंटे बाद सुनवाई का आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर और राजभवन के सचिवालय को भी नोटिस जारी किया है। स्पीकर से पूछा गया कि राज्यपाल के आदेश होने के बाद भी आपने फ्लोर टेस्ट न करवाते हुए विधानसभा की कार्रवाई 26 मार्च तक के लिए स्थगित क्यों कर दी। इसी दौरान बेंगलुरु में बैठे कांग्रेस के 22 बागी विधायकों की याचिका पर भी सुनवाई हुई। इनकी याचिका में कहा गया था कि यदि 6 मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार किए जा सकते हैं तो बाकी 16 के क्यों नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर डाक से तो नोटिस भेजा ही है, इसकी कॉपी ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी भेजी गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। दूसरी तरफ भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह विधायकों की घेराबंदी और अगली रणनीति बनाने में व्यस्त रहे। नोटिस दिया गया है जी, इसमें सारी बात सामने आएगी जी। विश्वास प्रस्ताव के साथ दिया गया है जी। अविश्वास प्रस्ताव पर हम लोग अविश्वास प्रस्ताव फेस करने के लिए तैयार है। कमलनाथ सरकार नंबर गेम में पिछड़ गई है, इसीलिए उसकी कोशिश फ्लोर टेस्ट को चालने की है। दूसरी ओर बीजेपी ने राज्यपाल लालजी टंडन को ज्ञापन सौंपकर अल्पमत कांग्रेस सरकार को नियुक्तियां करने से रोकने का निवेदन दिया है। स्थिति बिल्कुल साफ है, बड़ा शोर मचा रहे थे, बेंगलोर में लोग बंधक बनाए गए, बेंगलोर के सभी विधायक साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी मर्जी से है, इस सरकार के खिलाफ है, और सबने खुल के आज देश के सामने अपनी बात रखी है। अब कमलनाथ जी, तू ना इधर उधर की बात कर, भैया जल्दी फ्लोर टेस्ट करा। लोग कह रहे थे कि जो कांग्रेस के विधायक हैं, राहुल हटाओ ना यार, जो बेंगलोर के अंदर हैं उनको बंधक बना करके रखा गया है जी। उन्होंने पूरे देश के सामने, जो माननीय शिवराज जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है, जो पूरे देश ने आज देखा है कि उन्होंने कहा है कि न वो किसी बंधन में है, न किसी प्रकार से हम कांग्रेस के अंदर और इस सरकार में घुटन महसूस कर रहे थे, इसलिए हमने इस्तीफा दिया है और उसके आधार पर हम यहाँ स्वतंत्र तौर पर हैं और सुरक्षा मिलेगी तो हम भोपाल आएंगे। अब इससे ज्यादा भी और आपको और क्या आवश्यकता इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर है, देश की दुनिया ने देखा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जिन कांग्रेस विधायकों को अगवा करने का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, वो बेंगलुरु में पूरी मस्ती में हैं। इन विधायकों ने उल्टा कमलनाथ के ऊपर आरोप की झड़ी लगा दी है। इन विधायकों में से एक मुन्ना लाल गोयल का नाम और वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो गाना गाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के बागी विधायक गोयल का कहना है वे ठीक हैं और अपने इष्ट मित्रों के साथ बेंगलुरु में हैं। एमपी की अल्पमत कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी उनके विधायकों को अगवा करके बेंगलुरु में ले गई है, लेकिन इन बागी विधायकों ने कमलनाथ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन विधायकों में से एक ग्वालियर पूर्व से सिंधिया समर्थक विधायक मुन्ना लाल गोयल का बेंगलुरु से बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अपनी इच्छा से अपने इष्ट मित्रों के साथ बेंगलुरु में हूं और शीघ्र ग्वालियर लौटूंगा। पहले सुनिए मुन्ना लाल गोयल को। ग्वालियर में हमारे किसी सम्मानीय वकील द्वारा रिट दायर की गई है कि मुन्ना लाल गोयल गायब हैं। उनकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुन्ना लाल गोयल बेंगलोर में अपने इष्ट मित्रों के साथ हैं, किसी दबाव में नहीं है, अपनी स्वेच्छा से मैं आया हूँ और शीघ्र ही मैं ग्वालियर आऊँगा और आपसे मुलाकात करूँगा। आपने मेरी चिंता व्यक्त की, इसलिए धन्यवाद। आप निश्चिंत रहें, मुन्ना लाल गोयल जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं और खुश हैं, और मुझे भी लगता है कि काफ़ी दिनों से अपने क्षेत्र की जनता से, अपने इष्ट मित्रों से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी ही ग्वालियर आऊँगा और मुलाकात करूँगा। आपकी चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कह रहे हैं वह सरासर झूठ है, ये मुन्ना लाल गोयल की बात से साफ हो जाता है। कमलनाथ ने अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ जो व्यवहार किया वे उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इस बीच विधायक मुन्ना लाल गोयल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी बेंगलुरु के उसी रिसॉर्ट का बताया जा रहा है जहां विधायक गोयल अपने साथी विधायकों के साथ रुके हुए हैं। बताया जाता है सभी विधायक एक दूसरे का मनोरंजन कर रहे हैं, ऐसे में गोयल मंच पर गाना गाते नजर आ रहे हैं। विधायक मुन्ना लाल गोयल पूरी मस्ती में नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में कांग्रेस विधायक मुन्ना लाल गोयल के लापता होने के मामले में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के विधायक मुन्ना लाल गोयल को पिछले 9 दिनों से गायब हैं और उनकी जान को खतरा है और उनके साथ कभी भी अनहोनी घटना हो सकती है। ग्वालियर हाईकोर्ट में लगी याचिका में मांग की गई है कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
याचिका में कहा गया है कि मुन्ना लाल गोयल के परिजनों से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। याचिकाकर्ता एडवोकेट उमेश बोहरे ने बताया कि ग्वालियर पूर्व क्षेत्र के विधानसभा ने विधायक मुन्ना लाल गोयल के क्षेत्र की जनता पिछले 9 दिनों से परेशान हो रही है, उनके जनहित के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। याचिका में मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, SP ग्वालियर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे को प्रतिवादी बनाया गया है। मामला यह है कि पूर्व क्षेत्र ग्वालियर के विधायक मुन्ना लाल गोयल का 9 तारीख से पता नहीं है वो कहाँ है, किसने बंद किया, कहाँ पे रखे हुए हैं। इसलिए मैंने माननीय उच्च न्यायालय में बंदी प्रतिक्षण याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें हमने निवेदन ये किया है कि मुन्ना लाल गोयल को तत्काल ढूंढ के हाईकोर्ट में पेश किया जाए और जिन लोगों ने उनको बंद किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बेहतरीन कार्य दक्षता के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर V मधु कुमार को दखल प्राइड अवार्ड 2020 से नवाजा गया। इस अवसर पर मधु कुमार ने दखल का शुक्रिया अदा किया और कहा, ये सम्मान मेरे लिए बहुत खास है। मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर V कुमार को 2020 का दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। दखल न्यूज के अनुराग उपाध्याय ने उन्हें शॉल उड़ाया और सम्मान पत्र ट्रॉफी भेंट की। इस अवसर पर टीम दखल मौजूद रही। दखल प्राइड अवार्ड समारोह भोपाल में आयोजित किया गया था। उस समारोह में किसी कारणवश मधु कुमार शामिल नहीं हो पाए थे। मधु कुमार अपनी विशिष्ट कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दखल को शुभकामनाएं दी और कहा, ये सम्मान मेरे लिए बहुत खास है। दखल न्यूज चैनल ने मुझे आज दखल प्राइड का एक अवार्ड दे के सम्मानित किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं शुभकामना देता हूं आपकी पूरा न्यूज़ एजेंसी को, आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन को, एंटायर स्टाफ टॉप टू बॉटम सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से तो पूरी तरह से न्यूज़ के अलावा सामाजिक स्थितियों का और ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव सोसाइटी का और न्यूज़ के साथ साथ वो भी आप पब्लिक को प्रेजेंट करेंगे। और मुख्य रूप से मुझे आपने सम्मान किया है, really grateful to you. Thank you so much. छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही कोरोना और हंगामे की वजह से नहीं हो पाई। कोरोना वायरस के कारण कार्य मंत्रणा समिति में सदन की कार्यवाही 25 मार्च तक स्थगित करने की घोषणा की गई थी, फिर भी एक दिन के लिए विधानसभा की बैठक बुलाई गई थी जो नहीं हो पाई। बजट सत्र की कार्रवाई के लिए विधानसभा सचिवालय के अनुसार कुछ तकनीकी कारण से एक दिन के लिए सदन बुलाई गई थी, लेकिन हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। कार्रवाई शुरू होते ही स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कोरोना वायरस को लेकर देश में भयानक स्थिति होने की बात कहते हुए सदन की कार्रवाई को स्थगित करने की मांग की थी। जनता कांग्रेस के धर्मजीत सिंह ने कहा कि अफसरों में से तो किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है, इससे साबित होता है कि वे कोरोना को लेकर कितने गंभीर हैं। दिन पे दिन जो स्थिति बन रही है वो गंभीर चिंता की ओर जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जहाँ कुछ हजार लोग पहले संक्रमित बताए जा रहे थे, अब वो संख्या 1,70,000 पार कर रही है। मृत लोगों की संख्या जिस दिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी जो 4,000 के नीचे थी, वो 6,500 पार कर चुकी है। और सबसे बड़ी चिंता जिसको लोग शायद अभी भी समझ नहीं रहे हैं, वो किसी के उपचार का नहीं है, वो संक्रमित लोगों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित होने का है। हमारा आना जाना, स्वच्छंद रूप से समाज में घूमना, जो संभावित रूप से प्रभावित हो सकते हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, यही पूरी व्यवस्था। वहीं भाजपा सदस्यों ने कहा कि पहले प्रश्नकाल होना चाहिए, उसके बाद कोरोना को लेकर चर्चा हो। विपक्षी सदस्य प्रश्नकाल चलने देने की मांग पर अड़े रहे और हंगामा करने लगे, जिसके बाद अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने प्रश्नकाल स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही विपक्षी सदस्य गर्भगृह में आ गए और नारेबाजी करने लगे। नाराज विपक्षी सदस्यों ने कार्यसूची फाड़कर आसंदी की ओर फेंक दी। हंगामे के बीच अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 26 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्रा ने कहा, यह विधानसभा के संसदीय इतिहास का काला दिन है, हम अध्यक्ष की दी गई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, प्रश्नकाल चलने देना था, अगर सदन कार्यसूची से नहीं चलेगा तो आखिर चलेगा कैसे। लोकतंत्र के इतिहास में छत्तीसगढ़ के लिए आज काला अध्याय है कि जिस प्रकार से संसदीय प्रणाली को यहां पर तार तार किया गया है और विपक्ष को उनके अधिकारों से रोका गया है,
जो कार्यसूची जारी किया गया उस कार्यसूची में जो प्रश्न और उसके बाद में जो कार्रवाइयां सत्ता पक्ष के द्वारा ये वक्तव्य दे कि प्रश्नकाल को स्थगित किया जाए और आसंदी के द्वारा उसको स्थगित किया जाना, निश्चित रूप से विपक्ष और साथ ही सदस्यों के अधिकारों का हनन किया गया है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है, नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली डैडी बने हो, देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के दौरान शहीद हुए जवान वीरेंद्र कुशवाहा का पार्थिव शरीर उनके गृह जिले रीवा पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। रीवा जिले के त्योथर क्षेत्र में रहने वाले मजीदवा गांव के सपूत वीरेंद्र कुशवाहा विगत दिनों जम्मू कश्मीर के लेह में हुई बर्फबारी में शहीद हो गए, जिनका पार्थिव शरीर उनके गृह क्षेत्र लाया गया। इस दौरान हजारों की तादाद में जनसैलाब अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा, जहां नम आंखों से लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। गौरतलब है कि शहीद जवान वीरेंद्र कुशवाहा जम्मू कश्मीर के लेह में पदस्थ थे, वहां बर्फबारी और भूस्खलन हुआ था जिसमें वे शहीद हो गए थे। जवान के शहीद होने की खबर लगते ही पूरे गाँव में मातम पसर गया था। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीद जवान को अंतिम विदाई दी। शहीद हुए हैं, आपके कौन हैं भाई? ये पूरी घटना कैसे हुई, क्या हुआ? जी, फोन आया परिवार को 5 बजे जी, हमसे ये कहा गया कि तबीयत खराब हो गई थी जी, ध्यान 9 बजे फोन किया, बोले खत्म हो गए जी। ये घटना कितने तारीख की है, कितने तारीख को फोन आया था आपको? होली के एक दिन पहले। लद्दाख में तैनात थे, वहाँ बर्फ की चपेट में आए और बर्फ की वजह से ठंडक लगी और बाहर जानकारी मिली, हमने सही दर्जा दिया है और वहाँ से जितना भी जल्दी हो सकता था रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के अधिकारी ने प्रयास कर जल्द से जल्द शहीद के देह को यहाँ उनके ग्राम तक ले जाए। आपके मजगवा गांव के
निवासी वीरेंद्र कुशवाहा जी हिंदुस्तानी सेना में थे और लेह लद्दाख में इनकी पोस्टिंग थी। इस दौरान मैटल इंजर्ड होने की सूचना इनकी मिली है, संभवतः अपने सेवा काल के दौरान लेह में जब ये पदस्थ थे, एक स्नो में जो बर्फ में जो अवलांश होता है उसमें इंजर्ड होने की इनकी सूचना थी और उसमें दबने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। कृषि उपज मंडी छापरा में एक सहायक उप निरीक्षक को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वतखोरी करते हुए पकड़ा है। इस घूसखोर अधिकारी के पास से रिश्वत के 13,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। बखारी के शिवम कृषि केंद्र के संचालक शिवम तारण ने जबलपुर लोकायुक्त शिकायत की थी कि मंडी का ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ाने, स्टॉक ऑनलाइन दर्ज कराने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद सोमवार को लोकायुक्त की टीम ने छपारा कृषि उपज मंडी पहुंचकर छापा मारा, जहां उप निरीक्षक मनोज मरकाम की तलाशी ली गई, जहां से मनोज मरकाम के पास रिश्वत की राशि 13,000 रुपए बरामद की गई। व्यापारी ने बताया कि लगातार उसे रिश्वत के लिए परेशान किया जा रहा था, इससे पूर्व भी कई बार कामों के एवज में रिश्वत ली गई है, जिससे मानसिक रूप से वे परेशान था। इस कार्रवाई के बाद मंडी में मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मेरा जो पुराना स्टॉक था उसको चढ़ाने के लिए मेरे से 13,000 रुपए की मांग की गई थी। ये लगभग सर एक साल से मेरे को इस टाइप की छोटी मोटी रकम मांग मांग के लगभग मेरे से 4-1 लाख रुपए की वसूली की गई है। हमारे फरियादी हैं शिवम तारण, ये बखारी के निवासी है। इनका शिवम कृषि केंद्र के नाम से संस्थान है जो अनाज का विक्रय क्रय करते हैं। इनके द्वारा मंडी शुल्क जमा किया गया था यहाँ, और मंडी शुल्क को ऑनलाइन करने के लिए इनका मंडी शुल्क ऑनलाइन यहाँ पदस्थ ASI हैं मनोज मरकाम, इनके द्वारा किया गया था। तो मंडी शुल्क को ऑनलाइन करने के एवज में इनके द्वारा हमारे फरियादी से 13,000 रुपए की मांग की गई थी। आज हम लोगों ने उन्हें 13,000 रुपए लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। पुलिस का शिकंजा लगातार अपराधियों पर कसता जा रहा है। पुलिस ने डीजल पंप चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही धारदार हथियार बका लहराने वाले भी 2 आरोपियों को धर दबोचा है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक TK विद्यार्थी ने अपराधियों के खिलाफ सख्ती के निर्देश दिए थे, जिस पर कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार पांडे ने अमल किया तो उन्हें बड़ी सफलता मिली। उन्होंने 2 आरोपियों को बका लहराने व 3 डीजल पंप चोरी करने के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहारी केवट और अमर सिंह गोड़ लोहे का धारदार बका आमजन और राहगीरों को दिखाकर डराते थे। सूचना पर पुलिस गश्ती दल ने आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से धारदार हथियार बका भी जब्त कर लिया गया है। आरोपियों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरे मामले में किसान ओमकार नाथ बैस, विनोद विश्वकर्मा और राम दयाल बैस ने थाना बैढ़न में FIR दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति 1 लाख कीमत का डीजल पंप चुरा कर ले गया है। कोतवाली को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शत्रुघ्न केवट, राजकुमार केवट उर्फ इदा और नसीर खान 3 डीजल पंपों को मछली पकड़ने वाली नाव से ले गए हैं। आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो चोरी करना स्वीकार भी कर लिया। 3 डीजल पंप चोरों के पास से जब्त किए गए। आरोपियों से अन्य मामलों में भी पूछताछ जारी है। सिकंजा के तहत कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने में थाना बैढ़न पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 3 अपराधी डीजल पंप चोरी के हैं, 2/3/2020 को 3 बलेरी के जो हमारे कृषक हैं, जिसमें से ओंकार नाथ बैस, विनोद विश्वकर्मा, रामदयाल बैस, इन 3 लोगों का डीजल पंप जो कि बलेरी डैम में सिंचाई के लिए लगा हुआ था अज्ञात आरोपियों द्वारा चोरी कर लिया गया था। सूचना पर थाना बैढ़न में धारा 379 भादवी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। चोरी के डीजल पंप की कीमत करीबन 1 लाख रुपए थी। बिजली विभाग की लापरवाही से एक बुजुर्ग की जान चली गई। खेत के ऊपर से जा रही LT लाइन टूटकर गिर गई थी। बुजुर्ग जब खेत में पानी डाल रहा था तब उसकी चपेट में आ जाने से झुलस गया और उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग के परिजनों ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की और आर्थिक मदद की मांग को लेकर चक्का जाम किया।
एलटी लाइन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत के मामले में बताया जा रहा है कि किसान खेत पर काम कर रहा था, वहीं पर जमीन पर गिरी एलटी लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गए और जानकारी मिलते ही परिजनों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। मौत से दुखी परिजनों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और आर्थिक मदद के साथ जवाबदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर नायब तहसीलदार, पुलिस और विद्युत विभाग के अधिकारी पहुंचे और परिजनों को समझाया, तब जाकर हंगामा शांत हुआ और परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए। घटना सहयोगी थाना क्षेत्र के गंगतिरा कला की है। मृतक का नाम सुखलाल कोरी, पिता पलटू कोरी, उम्र 50 वर्ष थी। निवासी है सुखलाल कोरी है मृतक। वो गए थे कल 4 बजे के लगभग खेत में आकर घास उखाड़ने के लिए गए। वहाँ तार है 440 वोल्ट के तार टूटा हुआ था और वो क्लेम्प जो है वो 3-4 रोज के हुआ था कि अब इसको बनवाइए, प्रशासन ने नहीं बनवा पाए और ये गए धोखे से हो हाथ लग गया, वही घटना हुई। इसके बाद वहाँ से लेकर हम चला तो क्या हुआ कि फिर अधिकारी लोग आए, वो का मनीष नाम के आए और वहाँ पे जा करके जैसे हम अपना लेकर चले इधर दवाई करवाने, देखें शायद थोड़ा सांस भी होए लेकर चले, तो इसके बाद जो है वो तत्काल फिर तार जोड़ने की कोशिश करें। सूचना मिली है कि कोई व्यक्ति है जिसको कि बिजली के तार से करंट लग गया जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है और कुछ परिजन और साथ के लोगों ने चक्का जाम किया है। उनका ये कहना है कि ये लाइन शायद टूटी हुई थी, उसकी शिकायत की गई थी विभाग में, बिजली विभाग में, और ठीक नहीं हुई जिस कारण से ये हादसा घटित हुआ है। कुछ मुआवजे के बारे में भी उनको अपेक्षा थी, कुछ मुआवजा राशि मिलना चाहिए, तो उनको इस बारे में वहाँ पे जाकर के जो तहसीलदार हैं और जो लोकल थाना प्रभारी हैं वो बात कर रहे हैं और अगर इसमें जो भी विधि सम्मत गलती नजर आती है किसी कर्मचारी की किसी विभाग की तो अगर FIR की जरूरत होगी तो FIR की जाएगी और जो SC ST एक्ट के अंतर्गत राहत राशि वगैरह के प्रावधान है उनको दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ की बदमिजाजी से नाराज कांग्रेस विधायकों के कारण कांग्रेस सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेसी मंदिर मंदिर जाकर सरकार बची रहे इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुरैना जिले के कैलारस नगर में आलोपी की फड़िया पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 470 सीढ़ियों को चढ़कर कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप किया। कमलनाथ सरकार को सुरक्षित रखने के लिए जगह जगह मन्नतें मांगी जा रही हैं। कांग्रेस नेता राकेश यादव ने बताया कि सरकार ने किसानों की कर्ज माफी किए कई योजनाएं दी हैं। हमारी सरकार बरकरार बनी रहेगी, हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा है। इतनी बड़ी जो शक्ति रही है, हमको पूर्ण भरोसा है कमलनाथ जी की सरकार और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार निश्चित रूप से विजय हासिल करेगी। जिन किसानों के लिए किसान हितैषी सरकार हमारे कमलनाथ जी ने सबका कर्जा माफ किया है, 50,000 तक का माफ हो चुका है, 1,00,000 तक का माफ हो चुका है और 2,00,000 तक का कर्जा माफ करने सरकार जा रही थी, तो ये BJP के लोगों ने तथाकथित जो अपने आप को राजनीति का पंडित समझते हैं, अपने आप को जो महाराज कहते हैं, उनको किसानों पे तरस नहीं आया, जनता पे तरस नहीं आया और कार्यकर्ताओं पे जो है ना तरस नहीं आया। इस सरकार को जो है स्थिर करने का काम कर रहे हैं, हमें पूर्ण भरोसा है अपने भोलेनाथ पे, आलोपी शंकर जो भगवान पे, जिस प्रकार से हमारे कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं और निश्चित रूप से जो हनुमान जी वो शंकर जी के पुत्र हैं और निश्चित रूप से जो है ये सरकार विश्वास मत जो है हासिल करेगी। हम सब नेताओं की, हम सब कार्यकर्ताओं की आज मिन्नत मांगने के लिए हम सब लोग यहाँ पदारी हुए। संत हिरदाराम नगर की सिंधी सेंट्रल पंचायत का पुनर्गठन किया गया। इस सामाजिक संगठन के पुनर्गठन में 13 सलाहकारों और 5 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई। सिंधी सेंट्रल पंचायत का पुनर्गठन किया गया। पंचायत के संस्थापक नानक चंदानी
की सहमति से एनडी खेमचंदानी को अध्यक्ष एवं सुरेश जसवानी को पुनः महासचिव का दायित्व सौंपा गया। पंचायत में उपाध्यक्ष सलाहकार सहित कई अन्य पदों पर संत हिरदाराम नगर के कई वरिष्ठ एवं युवा समाज सेवियों का समावेश किया गया है। पंचायत में 13 सलाहकार और 5 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 25 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है जिसमें वरिष्ठ समाज सेवी शामिल हैं। पंचायत में इस तरह पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी की संख्या बढ़कर अब 56 हो गई है। सर्वसम्मति से हमने बनाया है जिसमें वर्तमान में हमारे अध्यक्ष एनडी खेमचंदानी और महासचिव सुरेश जसवानी के अलावा 5 उपाध्यक्ष, 3 संरक्षक, 13 सलाहकार और सह सचिव, सचिव, सांस्कृतिक सचिव, ऑडिटर सहित 25 कार्यकारिणी सदस्य है। कुल मिलाकर 56 लोगों को इसमें समावेश किया गया है। इको वैन है, उसके अंदर ड्राइवर रहेगा और कभी अटेंडेंट की जरूरत पड़ेगी तो वो भी रहेगा। ऑक्सीजन वगैरह रहेगा, ऑक्सीजन वगैरह भी करवा देंगे, आगे ऑक्सीजन भी करवा देंगे। मतलब मेरी मिसेस की डेथ हुई तो उन्होंने उनकी अपनी गाड़ी सत्संग वाली वो उनको डोनेट कर दी थी एम्बुलेंस बनाने के लिए, वो मैंने पगड़ियों पे भी अनाउंस कर दिया था, अभी भी दे रहे हैं। कभी कभी इमरजेंसी में कोई दूर का गरीब आ जाता है, भाई शव ले जाना है, तो उसको भी जो है हमने एक दोबार प्रोवाइड किया। परमहंसी आश्रम छोटेश्वर में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की अगुवाई में संत सम्मेलन हुआ, जहां सनातन मूल्यों के अनुरूप रामलला के मंदिर निर्माण की बात कही और भव्य राम मंदिर निर्माण के पहले राम भगवान को चंदन की लकड़ी से निर्मित सोने की परत वाले सिंहासन में विराजमान किए जाने की बात रखी गई। संत सम्मेलन में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में शंकराचार्य की अवमानना पर भी संतों ने नाराजगी व्यक्त की। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने आशंका व्यक्त करते हुए संदेश दिया कि राम हमारी आस्था है, हमारे भगवान हैं, पर मंदिर निर्माण ट्रस्ट में वे लोग हैं जो राम को मनुष्य मानते हैं। आज जब हमें हमारे आराध्य श्री राम के मंदिर निर्माण का अवसर मिला है तो संतों की यह अभिलाषा है कि मंदिर सनातन परंपरा और वास्तु के आधार पर बने, पर कुछ लोग हैं जो सनातन आस्था में विपरीत राम को एक मनुष्य मानकर हमारे भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण कर रहे हैं, जिस पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने आपत्ति दर्ज कराई है। हम ये संदेश दे रहे हैं कि हमें अवसर मिला है कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर बने, तो वह राम मंदिर वास्तु शास्त्र के अनुसार सनातन धर्म के शास्त्रों की रीति के अनुसार निर्मित हो और वही लोग उसका संचालन करें जो भगवान राम को साक्षात भगवान मानते हैं। किंतु यहाँ दुर्भाग्य से वो लोग वहाँ ट्रस्टी बन के बैठ गए हैं जो राम को एक मनुष्य मानते हैं। मनुष्य में भी उनकी तुलना अम्बेडकर जैसे लोगों से करते हैं, तो ये बात जो है समाज को असह्य है कि उनको इस तरह से कोठियों में डाला जाए और मनुष्य माना जाए। ये हम लोगों की भावना के विपरीत है और साथ ही साथ इस बात की हम लोगों को अब चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जन्मभूमि में ही कोई ऐसा कुछ रख दें ये लोग जिससे कि लोगों में राग द्वेष बना रहे, वहाँ कुछ ऐसा प्रदर्शन कर दें जो जन्मभूमि में जाए वो वहाँ से राग द्वेष और अशांति लेके आए, देश में विघटन उत्पन्न हो। हम लोग तो चाहते हैं कि वो हमारा केंद्र है, वहाँ से लोग भगवान के प्रति प्रेम, आस्तिकता, श्रद्धा और परस्पर प्रेम लेके आना चाहिए। इस सम्मेलन के दौरान आयोजन में पूरी पीठ के शंकराचार्य के प्रतिनिधि, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य के प्रतिनिधि नाथ संप्रदाय, कांची काम पीठ के प्रतिनिधि निरंजनी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, हिमाचल प्रदेश, नेपाल के डंडा महाराज सहित भारतवर्ष के अनेक साधु संत शामिल हुए। आयोजन में सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, भोपाल सहित प्रदेश के हिंगलाज सेना, आध्यात्मिक उत्थान संस्था, ब्राह्मण महासभा सहित अनेक हिंदू संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक,
ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।